तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये वाईफाई आईसी के ऊपर होने वाला है कि हम लोग मोबाइल फोन में ये पहचानेंगे कि हमारे पास जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने के लिए आता है तो उस बोर्ड के अंदर वाईफाई आईसी को कैसे पहचानते हैं, वाईफाई आईसी को पहचानने का तरीका क्या होता है। दोस्तों मैंने एक एक करके जितने भी सारे मोबाइल फोन के अंदर मोस्टली आईसी लगी होती है उस सारे आईसी के बारे में एक एक करके मैंने आपको पूरा समझा रखा है, और आज से आईसी का टॉपिक मोस्टली क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी मोबाइल फोन के अंदर जो आईसी होती हैं वो आईसीओ की आपस में कनेक्टिविटी कैसे होती है, आईसी आपस में काम कैसे करती हैं, जितने भी सारी मोबाइल फोन में 8, 10, 12 तरह की जो भी आईसी लगी होती हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड होती है, कौन सी आईसी किस चीज़ को सप्लाई देने का काम करती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने आईसी की पहचान के बारे में एक एक करके सारे टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा दिया है। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप है इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको कराए जाते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक फोन से लेकर स्मार्टफोन, एंड्रॉयड मोबाइल फोन, आईफोन, टैबलेट, लैपटॉप, जितने भी सारे मोबाइल फोन या लैपटॉप आते हैं सभी तरह के सभी गैजेट्स को रिपेयर करना आपको सिखाया जाता है। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से आपको रिपेयरिंग आपको समझाई जाती है, ताकि आप सीख करके अच्छी तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और आज हम लोग समझते हैं कि वाईफाई आईसी को पहचानने का तरीका क्या होता है, कि बोर्ड के अंदर हम लोग वाईफाई आईसी को कैसे पहचानेंगे। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वाईफाई आईसी, बोर्ड के अंदर जो वाईफाई आईसी होती है उस वाईफाई आईसी को कैसे पहचाना जाता है, वाईफाई आईसी को पहचानने का तरीका क्या होता है। यह आईसी लोकल नेटवर्क सिग्नल को एक्सेस करती है इसकी पहचान के लिए इसका पीसीबी में अलग से सेक्शन, इसकी पहचान के लिए पीसीबी में इसका अलग से सेक्शन होता है, और इसके पास में व्हाइट कलर का ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। इसके पहचान के लिए इसके पास में व्हाइट कलर का ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, या कुछ मोबाइल फोन में क्रिस्टल भी पाया जाता है। तो वाईफाई आईसी लोकल नेटवर्क को एक्सेस करने काम करती है। इसकी पहचान के लिए इसके पास में पीसीबी में इसका अगर आप देखेंगे तो बोर्ड में अलग से आपको सेक्शन मिलेगा। दूसरी बात, क्या अलग से इसके पास में व्हाइट कलर का ट्रांसफार्मर भी पाया जाता है, जिससे हम लोग इससे पहचान सकते हैं कि ये हमारे मोबाइल फोन में वाईफाई ऐसी है। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसको बोर्ड में कैसे पहचानेंगे, मैं बोर्ड में सारी आपको पहचान के बारे में दिखाता हूँ कि कैसे आप पीसीबी के अंदर कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आपके पास मोबाइल फोन है अगर रिपेयरिंग करने के लिए तो आप बोर्ड में वॉच करेंगे। देखिए जैसे मेरे पास बोर्ड है, इस बोर्ड में हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहली बात देखिए वाईफाई का ब्लूटूथ का अलग से एंटीना लगा हुआ है मोबाइल फोन में। अच्छा, मैंने आपको वाईफाई आईसी के बारे में बताया, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे मोबाइल फोन आते हैं जिस मोबाइल फोन में ब्लूटूथ वाईफाई के लिए एक ही आईसी लगी होती है, वही दोनों चीज़ों को कंट्रोल करती है या दोनों चीज़ों को ऑपरेट करती है। तो हम लोग चलते हैं बोर्ड में, पहचानते हैं कि वाईफाई आईसी अगर देखेंगे वाईफाई के लिए एंटीना बना हुआ है। ये एंटीना का आपका सिग्नल सबसे पहली बात ये ट्रांसफार्मर पर जा रहा है, व्हाइट कलर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और आप ये देखेंगे ये आपकी वाईफाई आईसी लगी है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरा अलग से पूरा सेक्शन ही बना हुआ है, अगर आप इसको देखेंगे इस तरीके से। तो ये पूरा अलग से सेक्शन बना हुआ है और ये तुम्हारी वाईफाई आईसी लगी हुई है।
क्या लगी है? वाईफाई आईसी। सबसे पहले एंटीना का जो सिग्नल इस ट्रांसफार्मर पे आता है, ट्रांसफार्मर से होते हुए तब आप इस वाईफाई आईसी पे हमारा सिग्नल पहुंचता है और हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क, ये वाईफाई के नेटवर्क एक्सेस होते हैं। अगर ये कई बार सिग्नल खराब हो जाता है तो वाईफाई कैच नहीं करता, जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, या कैपेसिटर पे वोल्टेज आते हैं जिससे हमारी वाईफाई आईसी एक्टिव होती है। तो ये आपका जो दिया हुआ है, ये पूरा वाईफाई आईसी लगी हुई है, ब्लूटूथ आईसी लगी है, वाईफाई के लिए पूरा सेक्शन बना हुआ है। अब मैं आपको दूसरे बोर्ड में आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, मैं इस बोर्ड में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, बोर्ड में मैंने देखा ये आपका मीडियाटेक लगा है, ये तुम्हारा सीपीयू आईसी है, ये तुम्हारा एमएमसी आईसी है। बोर्ड में एक एक करके सारे सर्किट को हम लोग वॉच करते हैं। ये तुम्हारी चार्जिंग के लिए लगा हुआ है। इसके बाद फिर हम लोग पीछे देखेंगे। पीछे देखने के बाद ये आपका दो कॉइल लगी है, रिंगर के लिए आईसी लगी हुई है, ग्राफिक के लिए आईसी लगी हुई है। ये आपके मोबाइल फ़ोन में कॉइल लगी है, ये आपके मोबाइल फ़ोन में लाइट के लिए लगा हुआ है। उसके लिए फिर आप बोर्ड में देखेंगे, ये आपके लिए पावर आईसी लगी है। इधर तो वाईफाई कहीं दिख नहीं रहा, कोई अलग से सेक्शन भी नहीं बना हुआ है। हम लोग बोर्ड में फिर दूसरी तरफ देखते हैं, और अगर आप देखेंगे बोर्ड में, ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये आपको वाईफाई के लिए आईसी लगी है। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा ब्लूटूथ वाईफाई वाईफाई के लिए पूरा अलग से पर्टिकुलर पूरा सेक्शन बना हुआ है। ये आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये तुम्हारी वाईफाई आईसी है। ये एंटीना पीछे की तरफ लगा है, यहाँ से एंटीना होते हुए इस पे आ रहा है, इससे एक्सेस होते हुए इसके अंदर जा रहा है। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में वाईफाई आईसी लगी है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको वाईफाई आईसी के बारे में बताया है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर, बोर्ड के अंदर वाईफाई आईसी को कैसे पहचानेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसका काम करने का तरीका क्या होता है। अब दोस्तों, आगे की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जितने भी मोबाइल फ़ोन के अंदर आईसी जो लगी होती हैं, वो आईसी आपस में वर्किंग कैसे करते हैं, मतलब सारी आईसी जो होती हैं वो आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड होती हैं, कौन सी आईसी किससे कनेक्ट होती है, किसका क्या वर्किंग होता है, तो इसके बारे में मैं एक आपको प्रिंसिपल बताऊंगा, जिससे आप लोग जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करेंगे या आपके पास जब मोबाइल फ़ोन आएगा ठीक होने के लिए, तो उसमें से बोर्ड में एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी मैंने आपको आईसी के बारे में वीडियो दिया हुआ है, अगर आप सभी आईसीओ के बारे में वीडियो को देखते हैं, उसको मोबाइल फ़ोन में प्रैक्टिकल करेंगे, तो एज इट इज आपको वैसा ही मिलेगा और बोर्ड में आप वैसा ही पाएंगे। इससे क्या रहेगा कि आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आएगा, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप कौन सी आईसी लगी है, उसका क्या रोल है, आप उसको अच्छे से पहचान सकते हैं और आपको रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैंने वीडियो उन स्टूडेंट के लिए दिया है जो ऐसे है कि बिल्कुल फ्रेशर थे या बहुत ऐसे सालों से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान में काम तो कर रहे थे, लेकिन अपने तौर तरीके से काम कर रहे थे, उनको काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन इन वीडियो के माध्यम से वो लोग अच्छा सीख करके एक बेहतर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और आगे अपने बिजनेस को सफलता की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। या बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग अगर इस लाइन में आना चाहते हैं या पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या पूरा और एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ताकि आप आकर के इंस्टीट्यूट में आकर के सीख सकते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप एक अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं, सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि आपकी ट्रेनिंग सबसे बड़ी मस्ट है। अगर आप जितना अच्छा सीखे होंगे, जितना बेहतर तरीके से काम करेंगे, उतना तरीके से ही आपकी शॉप चलेगी, आपके कस्टमर भी सेटिस्फाइड होंगे और आपसे काम वापस नहीं जाएगा। दूसरी बात मैं अब कहना चाहूँगा, ये जो अपना लाइन है, सर्विस का लाइन है। सर्विस का लाइन में क्या होता है, मैं कहता हूँ आपके दुकान में 10 मोबाइल फ़ोन आते हैं रिपेयर होने के लिए। अगर 10 में से अगर आप 2 मोबाइल फ़ोन ही ठीक कर पाते हैं और 8 मोबाइल फ़ोन वापस जा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं आपके से काम वापस जा रहा है। अब वो जब काम वापस जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा, लेकिन आपसे चला गया, और आपसे जाने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपसे नुकसान हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग आज रिपेयरिंग के लाइन में बिल्कुल फ्रेशर थे, वो वीडियो के माध्यम से उनको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला है, और अगर आपको सीखने को मिला है तो आप मैसेज कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको और भी ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहे। दूसरी बात क्या है कि ये जितनी सारी वीडियो है, मैंने जैसे आपको सॉफ्टवेयर के बारे में आपको वीडियो लेकर के आया, मैंने आपको बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में वीडियो लेकर के आया, या आईसी की पहचान के बारे में वीडियो लेकर के आया, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दूसरी बात क्या है, मैं आपको आगे आपको जो वीडियो लेकर के आने वाला हूँ कि मोबाइल फ़ोन में आने वाले फॉल्ट को कैसे डायग्नोस करेंगे, जो अब तक के यूट्यूब के वीडियो में आपको कहीं नहीं मिला होगा, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मोबाइल फ़ोन में आप फॉल्ट कैसे डायग्नोस करेंगे, कमी को कैसे ढूंढेंगे।
अगर आप ये वीडियो, सारी वीडियो के बारे में कम से कम 30 से 35 वीडियो आने वाली हैं, जिससे आपको ये देख पाएंगे कि मोबाइल फोन में फॉल्ट कैसे डायग्नोस किया जाएगा। मतलब आपके पास कोई भी कस्टमर मोबाइल फोन लेकर जाता है, उस मोबाइल फोन में किसी भी प्रकार की समस्या आपको बताता है, तो उस समस्या को आप कैसे ठीक करके देंगे, उस समस्या को रिपेयर कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की दोस्तों वीडियो में मैंने आपको वाईफाई आईसी के बारे में समझाया है। आपको समझ में आया या कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट नंबर दिए पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर हमसे कोई डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, ट्रेनिंग संबंधित बात करना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स का इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो भी सर आप फ़ोन करके आप सारी जानकारी को ले सकते हैं। और अभी सारे जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है, उस बैच को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।